नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं रीना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम शुरू की। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लॉन्च कर दी। इस योजना में कांग्रेस का कहना था कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो वहीं शिवराज सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 4 बार महिलाओं के खाते में महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए भेजे भी। बता दें कि जिसका असर यह हुआ कि अभी तक 1,35,00,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, जिसके बाद सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं शिवराज सरकार 10 अक्टूबर से लाडली के खाते में 1250 रुपए डालने जा रही है। ठीक उसके पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि इस बार बहनों की 10 तारीख नहीं आ रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लिखा कि बहनों, सुना है इस बार 10 तारीख नहीं आ रही है। 10 तारीख आने वाली है के नाम पर पिछले 4 महीनों से जनता की कमाई के करोड़ों रुपए फूंकने के बाद इस बार शिवराज सरकार पलटी मार रही है। इस बार भाजपाई सरकार के कैलेंडर में 10 तारीख नहीं आ रही है। जैसे इस सरकार की ये योजना इनके लिए वोट ठगने का जरिया मात्र है, वैसे ही इनकी 10 तारीख भी छल निकली। सवाल है कि फिर क्यों 4 महीना तारीख याद कराने भर के लिए जनता की मेहनत और पसीने के करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूंक डाले शिवराज जी। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि सरकार के धन को तबाह कर उसका दुरुपयोग करते हुए भाजपा के प्रचार पर खर्च करने वाले नौटंकी मुख्यमंत्री और दोगली भाजपा की चाल चरित्र और चेहरा का कुरूप चेहरा आम आदमी अच्छे से देख रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोटवारों को लेकर की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर भी पलटवार करते हुए कहा, शिवराज जी, आज मध्य प्रदेश के कोटवार भाइयों को आपकी झूठ की प्रयोगशाला में बुलाया था। उन्होंने एक बार फिर कोटवार बंधुओं से वही वादे कर दिए जिन्हें कभी पूरा ना करने की कसम शिवराज जी ने खाई है। जिस मुख्यमंत्री ने 18 साल के कार्यकाल में कोटवार बंधुओं को हर बार छलने के सिवा कुछ ना किया हो, उसके वादों की हकीकत सभी लोग जानते हैं। मैं कोटवार बंधुओं को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उनके लिए काम किए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाडली बहना योजना के तहत राज्य की महिलाओं को दी जा रही राशि अगले महीने से बंद किए जाने की रविवार को आशंका जताई। तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव व आचार संहिता को चंद दिन ही शेष बचे हैं। अब इस तरह में सरकार पर खर्चों का बोझ बढ़ा है और जनता का भी यह मानना है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य हो, सभी योजनाएं पूरी हो और समाज का कोई भी वर्ग नाराज ना हो। वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं या नहीं हो सकते, कम से कम वो धरातल पर आ जाएं। इसलिए विकास कार्यों के भूमि पूजन में तेजी आई है, लेकिन इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। बता दें कि सरकार फिर लगातार तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। इस बार राज्य के बजट का आकार 3.14 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि कर्ज अधिक यानी 3.31 लाख करोड़ हो गया है। सरकार का दावा है कि खजाने की स्थिति बेहतर है, विकास कार्य होंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। आय बढ़ी है, कर्ज चुकाने की स्थिति में है, इसलिए कर्ज लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट जानने के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट कर सकते हैं।